हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गुप्त नवरात्रों के बारे में। गुप्त नवरात्रे आज यानी 3 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और ये 10 जुलाई 2019 बुधवार तक रहेंगे। और नवरात्रि में 9 देवियों को कौन कौन सा भोग लगाएं। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में देवी को विभिन्न प्रकार के भोग भी लगाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस उपाय से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जानिए किस तिथि पर देवी को किस चीज का भोग लगाएं। पहले नवरात्रे को माता को घी का भोग लगाएं। इससे रोगी को कष्टों से मुक्ति मिलती है एवं बॉडी निरोगी रहती है। दूसरे नवरात्रे को माता रानी को शक्कर का भोग लगाएं। इससे उम्र लंबी होती है। तीसरे नवरात्रे को माता को दूध का भोग लगाएं। इससे सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। चौथे नवरात्रे को माता को मालपुए का भोग लगाएं। इससे समस्याओं का अंत होता है। पांचवें नवरात्रे को माता को केले का भोग लगाएं। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। छठे नवरात्रे को माता रानी को शहद का भोग लगाएं। इससे धन लाभ होने के योग बनते हैं। सातवीं तिथि को माता को गुड़ का भोग लगाएं। इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आठवें नवरात्रे को माता को नारियल का भोग लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। नौवें नवरात्रे को माता को विभिन्न प्रकार के अनाज का भोग लगाएं। इससे वैभव व यश मिलता है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है गुप्त नवरात्रों के बारे में। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। और मेरी वीडियो को करना है ढेर सारा लाइक और शेयर और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।